सो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम रोस्ट करने वाले हैं टोटल गेमिंग चैनल के ओनर उर्फ अज्जू भाई को। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे नहीं लगता भैया डर, जब हमें पता है कि मेरी इस वीडियो पे भर भर के व्यूज आएंगे तो भैया डर किस बात का। तो चले गए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आइए एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग करने वाले हैं गेमिंग रूम टूर। अरे तो अज्जू भैया कैसे बड़े गेमर हो यार, एक माइक यूज कर लेते क्योंकि तुम्हारी वीडियो में तुमसे ज्यादा आवाज है। तुम्हारे बैकग्राउंड में पीछे कौवे की आ रही है जो बार बार काऊ काऊ कर रहा है। सीक्रेट रूम है, इसको मैं बाद में कभी रिवील करूंगा। रेस्ट रूम में एक बेड है, बेड में बाद में दिखाऊंगा, और यहाँ पे गेमिंग रूम वो भी बाद में दिखाऊंगा। अरे तो अज्जू भैया तुम ये कर क्या रहे हो, मतलब कैसे हमें सेटअप दिखा रहे हो या फिर हमें चिढ़ा रहे हो? नहीं, जब तुम्हें सब कुछ ही बाद में दिखाना है तो फिर इस वीडियो को बनाई क्यों रहे हो? इस वीडियो को बाद में बना लेना, इसको हम भी बाद में देख लेंगे। सही बात है। अपना बेड और ये बेड की सबसे खास बात ये है कि ये सिंगल बेड है। अरे वाह भैया, तुमने क्या इस बेड की खास बात बताई है? मतलब हमें तो दिख ही नहीं रहा है कि ये सिंगल है कि डबल है। अगर डबल सोना भी चाहे तब भी कोई सो नहीं सकता है इसके ऊपर, मेरे हिसाब से, समझ रहे हो? तो बाद में खैर छोड़ो यार। अरे तो अज्जू भैया कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना, क्योंकि सही बता रहा हूँ तुम्हारे इन बातों में ना मुझे उतना ही लॉजिक नजर आ रहा है जितने कि मेरे पेपर में नंबर आते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं। और बाकी हम लड़कियों के पीछे नहीं भागते भाई, क्योंकि लड़कियां भी हमारे पीछे नहीं भागती है। अरे वाह भैया, अज्जू भाई ने क्या बात बोली है, हम लड़कियों के पीछे नहीं भागते क्योंकि लड़कियां हमारे पीछे नहीं भागती। यहाँ पे है कबाट, कबाट बोले तो जो भी बोले इसको इंग्लिश में आप समझो। अरे तो अज्जू भैया हम तो समझ लेंगे, लेकिन तुम भी सोच समझ के बोलो, क्योंकि जब तुमसे नहीं बोला जा रहा तो फिर बोले क्यों रहे हो? और सही बताओ तो वो कबाड़ नहीं बल्कि कबर्ड होता है। अच्छा। इसमें सामान रखा जाता है। अरे क्या बोला अज्जू भैया, मैंने कुछ सुना नहीं, दोबारा बोलना। इसमें सामान रखा जाता है। ओहो तो धन्यवाद भैया कि तुमने हमें बता दिया कि इसमें सामान रखा जाता है, नहीं तो मैं तो ये सोच रहा था कि लोग इसमें लोटा पानी करने जाते हैं। ये जो टीवी है ना उसका ग्लास क्लीन करने के लिए मेरे को दिया गया था, ये वाले क्लीनर का उसलिए यूज होता है। हालांकि मैं कुछ ज्यादा ही फालतूगिरी कर रहा हूँ, बट हाँ। तो भैया फिर क्यों कर रहे हो, मतलब तुम्हें पता है कि तुम फालतूगिरी कर रहे हो, लेकिन ये सब जानने के बाद भी तुम फिर भी करे जा रहे हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। 3 करोड़ का गेमिंग रूम है मेरा, बहुत खतरनाक है, 2.5-3 करोड़ का होगा। तो भाई सुना आप सभी लोगों ने, अज्जू भैया का कहना है कि इनका जो गेमिंग सेटअप है वो 2.5-3 करोड़ का है, लेकिन भाई रुको अभी आगे देखना बाकी है। भाई अभी टाइम आ चुका है अपने गेमिंग रूम को देखने का, और मैं पहले ही बता दूं ये कोई 3 करोड़ का गेमिंग सेटअप नहीं है, ना ही 2.5 करोड़ का है। मैं मजे में बोलता हूँ, ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, मन में आया बोल दिया ऐसा। तो हाँ, मेरा जो गेमिंग सेटअप ये वाला है इसका रियल प्राइस मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को लगता है, 25-30 लाख होगा। अरे वाह भैया आगे अपनी पे, मतलब यार हिपोक्रेसी की भी कोई हद होती है। बंदा शुरू में कह रहा था कि मेरा जो गेमिंग सेटअप है वो है 2.5-3 करोड़ का, और अब रियलिटी की बात आई तो बोल रहा है कि 25-30 लाख का है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो हे गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, इस वीडियो का मकसद किसी को हेट पहुंचाना नहीं था, यही वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, तो प्लीज इस वीडियो को एंजॉय करना और शेयर करना।